वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। आज का जो हमारा सेशन है वह आरटी एक्ट 2009 से संबंधित होने वाला है। आरटी एक्ट किस प्रकार लागू होता है, इसकी जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा पार्ट हमारे इसके जो अध्याय है उनकी धाराओं से संबंधित कौन कौन सी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरा, इससे संबंधित आए हुए अब तक के एग्जाम में सारे क्वेश्चन एमसीक्यू हम सोल्व करेंगे व्याख्यात्मक रूप से। यदि उसमें कोई भी पॉइंट रह जाता है उसमें हम एमसीक्यू में कवर कर लेंगे। उम्मीद है कि इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ये उम्मीद से हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। और एंड तक वीडियो को जरूर देखें और कमेंट करके जरूर बताएं। और आपके लिए एक अपडेट है, यदि आप सीईटी रीट मुख्य परीक्षा या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती, और यदि आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं जहाँ पर आपको निश्चित तौर पर अपडेट मिलती रहेगी, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम आज का टॉपिक, आरटी एक्ट 2009 आखिरकार है क्या। सबसे पहले हम बात करें शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा को अधिकार देने की आवश्यकता क्यों मिली, क्योंकि हमारे देश में शिक्षा का जो अभी व्यवस्था है उससे आप भली प्रकार से परिचित हैं, क्या शिक्षा की व्यवस्थाएँ हैं। इसी दौरान में हमारा आज की जो, इससे पहले हमने 2020 की जो शिक्षा नीति की है उसको भी हमने कवर किया है। उसको यदि आपने नहीं देखा उसे भी लिंक में जाकर डिस्क्रिप्शन में लेकर देख सकते हैं। शुरुआत में सबसे पहले आरटी एक्ट 2009 क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। हमारा जो ये सेशन है वह मुख्य परीक्षा में पॉइंट है आरटी एक्ट 2009। निश्चित ही यहाँ से आप मान के चलिए दो क्वेश्चन बनने की 100% संभावना है और एक एक नंबर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम बात करें आरटी एक्ट की पृष्ठभूमि क्या है, आरटी एक्ट हमारे संविधान में कहाँ है। हम जो इस सेशन में बात करेंगे भारत के स्वतंत्रता के बाद जो भी बदलाव हुए हैं शिक्षा में उसके बारे में बात करेंगे। शिक्षा के अधिकार से संबंधित है उसकी चर्चा करेंगे। इससे पहले क्या हुआ है उसके बारे में हम इसमें चर्चा नहीं करने वाले, स्वतंत्रता के बाद अधिकार के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अब बात करें जब हमारा संविधान लागू हुआ, संविधान बनकर रेडी हो जाता है, तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें शिक्षा के अधिकार का उल्लेख है। प्रश्न डायरेक्टली बन जाएगा कि संविधान में प्रारंभ में कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है हमारा जो नीति निदेशक तत्व है उसके अनुच्छेद यानी आर्टिकल 45 में शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया। केवल यहाँ पर सिर्फ नीति निदेशक तत्व में ही शिक्षा के अधिकार की बात की गई थी, और जिसे लागू करने पर जिसमें यह लिखा हुआ था कि 10 वर्ष के भीतर जब हमारा देश आजाद हो जाता है तो उसके 10 वर्ष के अंतर्गत 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेगी। इस बात को गौर करना, प्रयास करेगी, यानी कि नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है। इसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में या फिर कोर्ट में याचिका नहीं जा सकते कि हमारे लिए ऐसी व्यवस्था नहीं की गई, क्योंकि नीति निदेशक तत्व चैलेंजेबल नहीं होता है। और इसीलिए यहाँ पर लिखा है शिक्षा के लिए प्रयास करेगी, यही यदि हमारे अधिकार में शामिल होता तो शिक्षा के लिए प्रयास नहीं, शिक्षा के लिए व्यवस्था करेगी। क्या करेगी, व्यवस्था करेगी। यहाँ पर सरकार की जवाबदेही रहती है अधिकार में, लेकिन नीति निदेशक तत्व में कोई भी जवाबदेही नहीं रहती है। नतीजा यह होता है शिक्षा को लेकर ये प्रयास अधूरे रहते हैं, और निश्चित ही तौर पर नीति निदेशक तत्व के आर्टिकल 45 में कोई ना कोई कमी रहती है, और इसी के फलस्वरूप शिक्षा में कोई बेहतर बदलाव नहीं आते। और इसीलिए हमारे देश के आज़ाद होने पर सबसे पहली शिक्षा नीति आती है 1986 की शिक्षा नीति, और यह शिक्षा नीति दो बातों पर जोर देती है। सबसे पहले जोर देती है नामांकन पर, जो भी बच्चे हैं उनका हमें क्या करना होगा, नामांकन करना होगा, विद्यालय में उन्हें प्रवेश दिलाना होगा। प्रवेश दिलाने से ही काम नहीं चलेगा, हमें उनका ठहराव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने विद्यालय में बच्चों का करवा दिया है एडमिशन, लेकिन बच्चे 2 दिन पढ़े, 3 दिन पढ़े, 1 कक्षा पढ़ी, उसके बाद वह ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो यानी कि वह उनका ठहराव होना चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इसमें शिक्षा के अधिकार को लेकर बिल्कुल भी अपनी उम्मीदों पर खरी नहीं होती है, और इसकी समीक्षा के लिए एक समिति बैठती है, राम मूर्ति समिति 1990 में, और वह कहती है नामांकन और ठहराव के साथ आपको 2 काम और करने होंगे। एक काम करना होगा बच्चों की विद्यालय तक भौतिक पहुंच, और दूसरा बेहतर शिक्षक और विद्यालय उपलब्ध कराना, बेहतर शिक्षक और विद्यालय उपलब्ध करवाना, और राम विद्यालय उपलब्ध करवाना,
और साथ साथ राम मूर्ति समिति कहती है शिक्षा को नीति निदेशक तत्व में न रखकर इसे हमें क्या करना होगा, मूल अधिकार में सम्मिलित करना होगा। तो सर्वप्रथम मूल अधिकार को सॉरी शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में समाहित करने का सुझाव कौन देती है, तो इस पॉइंट को आप नोट करके जरूर लिखते हैं कि राम मूर्ति समिति द्वारा यह सुझाव दिया जाता है कि शिक्षा को क्या करना चाहिए, मूल अधिकार में सम्मिलित करना चाहिए, शिक्षा को मूल अधिकार बनाने का क्या देते हैं सुझाव। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि कौन सा समिति द्वारा यह सुझाव दिया गया कि शिक्षा को मूल अधिकार में सम्मिलित करना चाहिए, तो राम मूर्ति समिति में। इसी बीच एक यूएन का बाल अधिकार घोषणा पत्र आता है और उस पर भारत क्या कर देता है, हस्ताक्षर करता है और 135वां राष्ट्र बन जाता है शिक्षा को अधिकार, शिक्षा का अधिकार देने वाला। ये यहाँ पर आपको तीन पॉइंट याद रखने हैं। 1986 की शिक्षा नीति क्या कहती है, नामांकन और ठहराव, और यह सफल न होने पर इसकी समीक्षा के लिए एक समिति गठित की जाती है, उस समिति का नाम है राम मूर्ति समिति, और यह समिति सुझाव देती है कि शिक्षा का जो अधिकार है उसको मूल अधिकार में समाहित करना होगा, साथ ही नामांकन ठहराव के साथ बच्चों की विद्यालय तक पहुंच और बेहतर शिक्षक व विद्यालय उपलब्ध करवाना, और यूएन बाल अधिकार घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला भारत 135वां राष्ट्र बन जाता है। ये हमारी पृष्ठभूमि है जिसके हम बात कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको एक दो वाद याद रखने हैं जो कि शिक्षा के अधिकार को आपको समझने में क्या जरूरत पड़ी, शिक्षा में कौन एज को डिफाइन करने की उसकी बारे में। तो हम बात कर रहे हैं मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटक राज्यवाद। ये केस क्या होता है, मोहिनी जैन एक मेडिकल छात्रा थी और विवाद शुरू होता है प्रवेश शुल्क को लेकर, विवाद होता है और उस विवाद के लिए वह चली जाती है हाई कोर्ट में, और वह कहती है कि प्रवेश शुल्क का निर्धारण है वह राज्य के लिए और अन्य राज्य के लिए क्या है अलग अलग है, और यह बात मेरे को सही जमी नहीं, और मेरा इसमें आर्टिकल 21 क्या है, जीवन जीने का अधिकार। इसको फिर से समझते हैं, मोहिनी जैन वर्सेस हाई कोर्ट में अपील रखती है कि जो मेरे आर्टिकल 21 है जीवन जीने के अधिकार, यदि शिक्षा में अगर शुल्क अगर यदि समान होता तो मैं भी एक बेहतर जीवन जीती, और इसको लेकर मैंने यहाँ पर याचिका दायर की है जिसको कोर्ट सही मानता है और फैसला सुना देता है मोहिनी जैन के फेवर में, और वह कहता है कि इस जीवन आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही शिक्षा का अधिकार सम्मिलित है, और ये बात नहीं जमती है। दूसरा वाद आता है उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्यवाद, और ये कब की बात है, एक साल बाद उन्होंने केस किया कि जो बात कर रहे हैं शिक्षा आर्टिकल 21 में शिक्षा के अधिकार की, और वह क्या है उसमें कोई ना कोई एज लिमिट है, क्या है एज लिमिट है, इस तरह तो हमारी सारा सिस्टम ही बदल जाएगा यदि हम इस प्रकार डोनेशन नहीं लेंगे, प्रवेश शुल्क ज़्यादा नहीं लेंगे, तो हम इस कोर्ट को चाहिए कि एक एज लिमिट फिक्स कर दे, और इसी बात के बाद शिक्षा के अधिकार का दे में एज लिमिट फिक्स की जाती है, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए एक निश्चित एज एरिया बना दिया जाता है। तो डायरेक्टली प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना कम है, लेकिन इसके जो पृष्ठभूमि है किस प्रकार एज है वो समझने के लिए बेहतर है। और इसके बाद यदि सरकार आती है और कहती है यदि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कह ही दिया है कि शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार से संबंधित है अधिकार है, तो क्यों ना हम इसे मूल अधिकार में ही जगह देते, और इसके लिए तपस मजूमदार समिति गठित की जाती है और वह सुझाव देती है, वह क्या क्या सुझाव देती है, और इस समिति के आधार पर ही शिक्षा को मूल अधिकार में सम्मिलित किया जाता है, और यह सुझाव देती है कि नीति निदेशक तत्व में आर्टिकल 45 में और वह समिति सुझाव देती है कि शिक्षा को मूल अधिकार में सम्मिलित कर देना चाहिए, और संविधान में शिक्षा का मूल अधिकार का उल्लेख किस किस जगह से है डायरेक्टली प्रश्न बन सकता है, इस स्लाइड को आप ध्यान में रखें। सबसे पहले हमने बात कर ली थी संविधान के मूल संविधान में आर्टिकल 45 जो कि किससे संबंधित है, नीति निदेशक तत्व में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का क्या किया गया है उल्लेख, और मूल अधिकार के अनुच्छेद 21A में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख है, और मूल कर्तव्य न कि कर्तव्य, कर्तव्य 51A के अंतर्गत मूल कर्तव्य कौन सा नंबर का जोड़ा गया 11वां, इसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का संबंध बताया गया है, और
6 से 14 वर्ष की आयु के माता पिता का कर्तव्य आधारित किया गया कि वह अपने बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार से वंचित करें। यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट यह है कि नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आर्टिकल 45 में बात की गई है और मूल अधिकार में 51 मूल अधिकार में 21A में बात की गई है और कर्तव्य में 51A, ये आपको आर्टिकल ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करें और आरटी एक्ट को किस प्रकार, ऐसा नहीं है कि हमने सोच लिया कि इसको इस एज को लिमिट को जोड़ना है जोड़ देंगे, लेकिन इसके लिए संविधान में कुछ भी बदलाव करने के लिए 46वां संविधान संशोधन होता है 2002 में, यानी किसी भी संविधान में यदि हमें बदलाव करना है तो उसके लिए एक संशोधन बिल पास करवाना पड़ता है और वह होता है 46वां संविधान संशोधन 2002 और जिसमें मूल अधिकार में क्या जोड़ा गया, 21 क्या था, जीवन जीने का अधिकार, उसके साथ 21A और जोड़ दिया गया जो किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है और शिक्षा में क्या लिख दिया, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने का कार्य करेगी न कि प्रयास करेगी। और जहां पर हमने बात की थी नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आर्टिकल 45 में जहां पर पहले लिखा था 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को 10 वर्ष के भीतर शिक्षा देने का प्रयास करेगी, उसको हटाकर 0 से 6 वर्ष के बालकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा की देखभाल की व्यवस्था या फिर प्रयास करेगी, जो कि अभी वर्तमान में आंगनवाड़ी है, बाल वाटिका है, ये सभी नीति निदेशक तत्व आर्टिकल 45 के अंतर्गत ही है जिसकी व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है। और कर्तव्य, बात करें कर्तव्य की, सभी अपने अधिकारों को ध्यान में रखते हैं लेकिन कर्तव्य के आने पर आप अपने कर्तव्य भूल जाते हैं कि हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से इस कर्तव्य को नहीं भूलना है और 51A जोड़ा जाता है और इसमें क्या लिखा जाता है, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को अभिभावक या संरक्षक का दायित्व है कि वह निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेगी। आपको तीनों आर्टिकल ध्यान में रखने हैं, 46वां संविधान संशोधन कब होता है, 2002 में, मूल अधिकार में 21A में जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देगी सरकार की व्यवस्था करेगी या फिर, और नीति निदेशक तत्व में आर्टिकल 45 में जो पहले लिखा गया था उसको हटाकर 0 से 6 वर्ष तक के बालकों के लिए बेहतर देखभाल की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था करेगी। और 51A में क्या लिखा जाता है, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों में को अभिभावक या संरक्षक का दायित्व है कि वह निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दिलाने का प्रयास करे। ये सब बात हुई हमारी 46वें संविधान संशोधन की। अब हम बात करें हम निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस प्रकार पारित होता है, उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लेते हैं, एक होता है अधिनियम और एक होता है विधेयक। इसका क्या है, विधेयक कोई भी बिल यदि हमें पास करवाना है तो बिल राज्यसभा या फिर लोकसभा दोनों से द्वारा पारित हो जाने के बाद वह पहुँचता है राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति यदि उस बिल पर कर देते हैं हस्ताक्षर तो वह बन जाता है अधिनियम और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले उस बिल को किस नाम से जाना जाता है, विधेयक के बारे नाम से। तो आपको ध्यान में रखना है विधेयक और अधिनियम दोनों अलग चीजें। सबसे पहले हम बात करें शिक्षा का, जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार विधेयक है वह सबसे पहले पहुंचता है राज्यसभा में, उसके बाद लोकसभा में, उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर उसे बना देते हैं अधिनियम। और राज्यसभा में आपको मुख्य रूप से जो डेट याद रखनी है, यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न डेट से बनेगा, सबसे पहले आपको एक डेट याद रखनी है 3 जुलाई 2009 को कैबिनेट मंत्री द्वारा इस बिल को पारित कर दिया जाता है, उसके बाद इसे राज्यसभा में रखा जाता है और राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को यहां से क्या हो जाता है, पारित होकर सीधा पहुंचता है लोकसभा में और लोकसभा इसे पारित करती है 4 अगस्त 2009 को और इस पर हस्ताक्षर करते हैं राष्ट्रपति और राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं 26 अगस्त 2009 को। आपको ये तीनों डेट याद रखनी है। अभी फर्स्ट ग्रेड में डायरेक्टली पूछा गया था कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वह पूरे देश में कब लागू किया गया, तो कुछ भी एग्जामिनर डेट पूछ सकता है, तो आपको मोस्टली ये डेट तो याद रखनी ही है। फिर बात करें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इसे लागू कर दिया जाता है भारत में और उसकी दिनांक है आपको ध्यान में रखनी है 1 अप्रैल 2010 को और इसे लागू करने वाला कौन से नंबर का देश बनता है, हमारा 135वां, तो ये प्रश्न में पूछा गया था, इसको भी आप स्टार लगा दें। और अब हम बात कर रहे हैं यदि हम एग्जाम फाइट कर रहे हैं राजस्थान का तो इससे संबंधित प्रश्न पूछना स्वाभाविक है। अब ये बात हो गई, ये सारी डेट बिल पास हो जाता है केंद्र के द्वारा। अब जो शिक्षा है वह समवर्ती विषय का विषय है। अब हम बात करें सूची, तीन प्रकार की क्या होती है सूचियां, एक होती है केंद्र सूची, एक होती है राज्य सूची
और तीसरी होती है समवर्ती सूची। और बात करें हम केंद्र सूची की, केंद्र द्वारा जिन भी विषय पर डिसीजन लिया जाता है, नियम व कायदे कानून बनाए जाते हैं, वह केंद्र सूची के अंतर्गत होता है। और राज्य यदि बनाती है तो वह राज्य के, लेकिन समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर नियम या कानून बना सकते हैं। जो शिक्षा है उसे 46वां संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती विषय का सूची में सम्मिलित किया गया था। तो केंद्र के द्वारा जो अधिनियम पारित किया जाता है वह राजस्थान राज्य के 29 मार्च 2011 को विधानसभा द्वारा संशोधन प्रस्ताव कर इसे पारित कर दिया जाता है। और जब केंद्र में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ उसके ठीक एक साल बाद राजस्थान में लागू कर दिया जाता है। तो आपको मोस्टली डेट याद रखनी है, राज्यसभा में 20 जुलाई को, लोकसभा में 4 अगस्त और राष्ट्रपति 26 अगस्त। जुलाई दोनों तरफ है, अगस्त अगस्त, और ये याद रखना है अप्रैल में लागू होता है 1 अप्रैल, और राजस्थान में 1 अप्रैल ठीक एक साल बाद लागू होता है। तो ये डेट आपको मोस्टली याद रखनी ही है। अब हम बात करें इसके मोटे रूप से किसके द्वारा शुरुआत की जाती है, तो भारत सरकार द्वारा। और लाभार्थी कौन है, देश के अशिक्षित बच्चे, स्थिति आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर है। इसका जो उद्देश्य क्या है इस नियम का, देश के सभी बच्चों को क्या बनाना है, शिक्षित बनाना है। कितने वर्ष के बालकों के लिए, जो बात हुई थी 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। और ये कब लागू होता है, 1 अप्रैल 2010। और राजस्थान के संदर्भ में हम बात करें तो कब लागू होता है, 1 अप्रैल 2011 में। और कब बनाया गया, 4 अगस्त 2009 को। अब इसमें एक नोट करके आप इस चीज को भी ध्यान में रखें कि जो आरटी एक्ट 2009 में, बाकी तो एज लिमिट क्या है 6 से 14, लेकिन दिव्यांग या विकलांग जो भी बालक है उनके लिए जो आयु वर्ष है 14 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 18 वर्ष। यानी कि कोई भी बालक यदि विकलांग है, दिव्यांग है, तो वह 18 वर्ष तक आरटी एक्ट के दायरे में सम्मिलित किया जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखना है। अब हम बात करें आरटीआई में शिक्षक की क्या क्या भूमिका रहेगी, उसके बारे में भी वर्णन है। इन सब का जो हम डिटेल से इसकी अध्याय पढ़ेंगे उसमें कि शिक्षक के क्या दायित्व है, राज्य सरकार के क्या दायित्व है, इससे भी प्रश्न बनने की संभावना है, उसका जो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको पूरा करेंगे। अब हम बात करते हैं, मोटे रूप से बात कर लेते हैं, पाठ्यक्रम को समय अनुसार पूर्ण करवाना, समय सारणी के अनुसार चलना, अध्यापकों द्वारा नियमित नियमों का पालन करना, इसके अलावा अध्यापकों का यह मुख्य कर्तव्य है कि विद्यार्थियों के अभिभावकों के साथ समय समय पर बैठक, यानी कि जो भी हम बात करेंगे धाराओं में एसएमसी मीटिंग कब करनी है, उनका पूरा डिटेल से आपको वहां पर पूरा समझ में आ जाएगा। इसकी प्रगति के संबंध में उनकी जानकारी अभिभावकों को अवगत कराना। मीटिंग्स में आपको बताइए पेरेंट्स आते हैं और आप शिक्षक पूरी लिस्ट तैयार रखते हैं कि बच्चों ने क्या क्या मस्ती की है, क्या होमवर्क नहीं किया है, वो सारी पोल मीटिंग्स में खुलती है। अब हम बात करें यहाँ पर विद्यार्थी तथा शिक्षक का क्या अनुपात होना चाहिए। अभी फर्स्ट ग्रेड में डायरेक्टली पूछ लिया गया था 61 से 90% बालकों के लिए कितने शिक्षक होने चाहिए, तो 3 शिक्षक। तो ये पूरी सारणी यदि आपके दिमाग में एक बार फिट हो जाती है तो इससे संबंधित यदि प्रश्न आता है तो आपका निश्चित तौर पर सही होने की संभावना रहती है। आपको ध्यान में रखना है 40 बच्चों पर हम बात कर रहे हैं, कक्षा 1 से 5 तक की 40 बच्चों पर कितने शिक्षक हो सकते हैं, तो 1 शिक्षक होगा। अब यहाँ से आंकड़ा क्या आ जाता है, 30 पर 1 का आंकड़ा, यानी कि 60 बच्चे हैं तो 30 पर दो टीचर हो गए तो कितने टीचर हो जाएंगे, 2 शिक्षक। यहाँ पर फिर से 30 बालक यदि बढ़ते हैं यानी कि 61 से 90 बच्चों पर कितने हो जाएंगे, 3 शिक्षक। वापस 30 यहाँ पे प्लस होते हैं तो इधर भी शिक्षक बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से प्रश्न बनेगा 121 से 150 बच्चों पर कितना हो जाएगा, 5 शिक्षक। और जैसे ही 150 से 200 तक बच्चे होते हैं तो वहाँ पर आपको एक लाइन याद रखनी है, 5 + 1, यानी 5 तो क्या हो जाएंगे शिक्षक और 1 क्या हो जाएगा, प्रधानाध्यापक। तो 150 से 200 विद्यार्थियों पर कितने शिक्षक होंगे, 5 + 1, यानी 5 शिक्षक और 1 प्रधानाध्यापक। और 200 से अधिक विद्यार्थी बढ़ते जाएंगे, जैसे 200 है, अब 240 हो गए, तो एक एक शिक्षक यहाँ पर बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे 40 विद्यार्थी बढ़ेंगे इधर शिक्षक का दायरा बढ़ता रहेगा। तो ये सामने आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट इसका समझे। नेक्स्ट बात करें इसके अध्याय की, इसकी विस्तृत चर्चा तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन यहाँ पर मोटे रूप से हम बात कर लेते हैं कि इसको याद कैसे करना है, रिपीट भी हो जाएगा। सबसे पहले हम इसको एक कहानी के रूप में याद करने का प्रयास करते हैं। आप कहीं पर गए कहीं भी समारोह में, तो आप एक टीचर समझे अपने आप को, और वहाँ पर आपने क्या दिया, अपना प्रारंभिक परिचय दिया। तो आप एक आरटी है, एक्ट है, अधिनियम समझे अपने आप को, और आपने क्या दिया, अपना परिचय दिया। और परिचय दिया और परिचय देने पर आपने क्या कहा, पहले अध्याय में तो आपने क्या दे दिया, अपना परिचय दे दिया। फिर दूसरा अध्याय हुआ और दूसरे अध्याय में आपने क्या कहा,
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के बारे में आपने उनको बताया। सबसे पहला पीरियड होता है, उसमें आपने अपना परिचय दिया विद्यालय में गए, और दूसरा अध्याय मतलब आप अपना समझ ले दूसरा पीरियड लगा, और आपने वहाँ पर क्या बताया, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया। और जैसे ही तीसरा पीरियड लगता है और आप कहते हो जाकर केंद्र राज्य स्थानीय सरकार यानी सरकार और अभिभावक के दायित्व की आप क्या करते हो, बात करते हो। पहले पीरियड में गए आपने क्या दिया, वहां पर परिचय दिया, और परिचय किसका दिया, दूसरे पीरियड में आपने किसका परिचय दिया, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार का अधिकार की बात कर ली। उसके बाद आप कहते हो केंद्र राज्य व स्थानीय सरकार यानी सरकार के दायित्व की बात की, यहाँ पर कीवर्ड पकड़े आपने। तीसरे में आपने क्या पढ़ा, पीरियड में क्या कहा, आपने दायित्व की बात कर ली। अब तीसरे पीरियड तक बच्चे हो गए बोर, और चौथे पीरियड में आप गए और उनको कहा, बच्चे जानते हैं स्कूल के बारे में शिक्षक के बारे में, तो क्यों ना हम उसकी बात कर लें। तो चौथे पीरियड में आपने कहा बच्चे बोर हो रहे हैं तो हम क्या करें, स्कूल और शिक्षक के दायित्व की बात कर सकते हैं कि स्कूल में आप आए हो, शिक्षक हैं, इनके क्या क्या दायित्व हैं, उनकी बात कर ली। अब बात कर ली तो आपने क्या बात की, पांचवे जैसे जैसे बात करते गए और पांचवा पीरियड लग जाता है, और पांचवे पीरियड में क्या बात करते हो कि प्रारंभिक शिक्षा में जो आपने पाठ्यक्रम निर्धारित किया है उसको आपको क्या करना है, पूरा करना है, ना कि आपको बातें करनी है। और पूरा किया तो ऐसा नहीं कि आपने एक दिन में ही पूरा पाठ्यक्रम पूरा कर दिया, पूरी किताब पूरी कर दी, तो यदि ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा, बालकों के अधिकारों का क्या हो जाएगा, हनन हो जाएगा। तो इसकी संरक्षण का भी आपको ध्यान में रखना है। और छठा पीरियड होते होते सातवां पीरियड में आप पहुंचते हो और वहां पर आप बात करते हो प्रकरण की यानी कि सामान्य परिभाषाओं की, चर्चाओं की, इसकी बात करते हो। तो आपको क्या क्या कीवर्ड ध्यान रखने हैं, आप गए सबसे पहले आपने क्या दिया, अपना परिचय दिया, और परिचय दिया तो उसमें आपने क्या कहा, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा टॉपिक पढ़ाया दूसरे पीरियड में, और तीसरे में आपने क्या कहा, केंद्र व राज्य सरकार के दायित्व की बात की। और जैसे बोर हुए बच्चे तो चौथे पीरियड में आप क्या कहने लगे, स्कूल व शिक्षकों के बारे में जो बच्चे जानते हैं उनके दायित्व की बात की, और दायित्व का क्या दायित्व है, उनका पाठ्यक्रम पूरा कराना है, क्या कराना, पाठ्यक्रम पूरा कराना, और पाठ्यक्रम एक दिन में पूरा करेंगे नहीं तो बाल अधिकारों के संरक्षण की बात करेंगे और प्रक्रियण करेंगे। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उम्मीद है कि आप इन अध्याय को समझें, क्योंकि अभी डायरेक्टली जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ था डायरेक्टली पूछ लिया गया था अध्याय चार संबंधित है स्कूल व शिक्षकों के दायित्व से, यानी कि आपने यदि कीवर्ड को कॉन्सेप्ट को अपने सारणी में दिमाग में फिट कर लिया तो निश्चित ही आपका प्रश्न सही होने की संभावना 90% हो जाएगी, और खूब है 90% प्रश्न को सही करने की संभावना है, तो प्रयास करते रहिए। आरटी एक्ट के कितने अध्याय हैं तो हमने इसके डिस्कस कर चुके थे, कितने अध्याय हैं तो 7 अध्याय के बारे में हम चर्चा करेंगे, और 7 अध्यायों को याद करने की शॉर्ट ट्रिक का वीडियो हमने बना दिया है, और उसे हम एक बार देख लेते हैं कि सबसे पहले कौन कौन से अध्याय हैं। तो आपको ध्यान में रखने के लिए अध्याय एक में क्या है, प्रारंभिक परिचय, और प्रारंभिक परिचय में कौन कौन सी धाराएं सम्मिलित है, धारा एक व धारा दो। तो प्रारंभिक परिचय में क्या आ जाएगी, धारा एक व दो, और दूसरा अध्याय किससे संबंधित है तो इसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार, और इसमें कितनी धारा है, धारा 3 से 5। डायरेक्टली प्रश्न बन सकता है धारा 3 से 5 किस अध्याय में है या फिर अध्याय 2 किससे संबंधित है। तो आपको इसे पूरा याद करने के लिए शायद मैंने 3 मिनट का एक वीडियो है जिसे आप देख लें, वो इससे आपको इस अध्याय का जो क्रम है वो बिल्कुल ही याद रह जाएगा, जिसमें कन्फ्यूजन होने का कोई सवाल नहीं होगा। तो सबसे पहले अध्याय 3, और इसकी बात इसमें किसकी, केंद्र राज्य स्थानीय सरकार और अभिभावक के दायित्व की बात करते हैं 6 से 11। आज का जो हमारा पाठ है वह अध्याय 1, 2 और अध्याय 3 से संबंधित होने वाला है, और इन तीनों को हम पूरे डिटेल से देखेंगे, और इसमें जो धाराएं हैं उनको याद करने की जो शॉर्ट ट्रिक है उसका भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करें उससे पहले इन धारा 4 जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा केवल अध्याय 4 से होगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा धाराएं हैं और मोस्टली प्रश्न बनने की संभावना यहाँ से ही होती है। अध्याय 4 से निश्चित मान के चलिए 90% संभावना यहाँ से है प्रश्न बनने की, तो इसको हम पूरा एक वीडियो में ही कवर करेंगे सेकंड, और फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो अध्याय 5, 6 और 7 इससे पूरा सम्मिलित होगा। और अध्याय 4 में क्या है, स्कूल व शिक्षक के क्या दायित्व है, यानी कि आप भी अध्यापक बनने वाले हो और इसकी तैयारी कर रहे हो तो आपको भी ध्यान में होना चाहिए क्या क्या दायित्व है जो कि किस अध्याय में आपके अध्याय 4 में, और 5 क्या कहता है, अध्यापक बन गए तो आपको उसके पाठ्यक्रम के बारे में भी जानना होगा और वह किसमें है, अध्याय 5 में, और साथ ही आपको बालकों के संरक्षण के जो अधिकार है उसका भी आपको ध्यान में रखना होगा। और 7वां अध्याय बात करता है प्रकरण की, और इसमें है धारा 35 से 8। आज जो हमारा सेशन है अध्याय इन तीनों को लेकर हम कंप्लीट शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करें, ये देखो आपके लिए एक चित्र है जिसमें क्या है, ये अपना परिचय दे रहा है, क्या दे रहा है, बंदा अपना परिचय दे रहा है और उसे सुन रहा है, इन्हें ये लोग हंस रहे हैं इसको देखकर।
तो ये अपना क्या दे रहा है, परिचय दे रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है प्रारंभिक जो सबसे पहला अध्याय है वह किससे संबंधित है, तो प्रारंभिक परिचय से संबंधित है। और साथ ही देखो नेक्स्ट जिसका, देखो प्रारंभिक परिचय और कौन कौन सी धाराएं हैं इसमें, धारा एक व धारा दो। और बात करें नेक्स्ट धारा एक, धारा एक क्या कहती है, आरटी एक्ट 2009 किस तारीख से पूरे देश में लागू हो जाएगा, 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू करना है। और किसको छोड़कर, जम्मू और कश्मीर को। इस समय जम्मू कश्मीर को छोड़कर क्यों लिखी गई ये लाइन, क्योंकि उस समय आपको ध्यान था किस आर्टिकल के तहत, आपको कमेंट करके बताना है किस आर्टिकल के तहत जम्मू कश्मीर भारत से, सारे जो कानून प्रक्रिया में सबसे ये अलग लाइन लिखी जाती थी किस आर्टिकल की वजह से लिखी जाती थी, आपको उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताना है। नेक्स्ट हम बात करें, साथ ही आपको ध्यान में रखना है जो आरटी एक्ट लागू होता है वह कहाँ कहाँ नहीं होता है, तो आपको ध्यान में रखना है जो मदरसा हो गया, धार्मिक पाठशालाएं हो गई, उनमें यह लागू नहीं होगा। तो देखो नेक्स्ट लाइन में हम देखते हैं कहाँ कहाँ लागू नहीं होता है, ये होता है मदरसा, वैदिक पाठशाला और धार्मिक प्रशिक्षण से देने वाले जो भी विद्यालय है वहां पर यह आरटी एक्ट लागू नहीं होगा। तो ये धारा एक हमें क्या कहती है कि 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू किया जाएगा। डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया गया था जो पिछली वाली जो रीट में कि आरटी एक्ट कब लागू किया गया पूरे भारत में, तो ये डेट डायरेक्टली सिंपली प्रश्न पूछ लिया गया था 1 अप्रैल 2010, ये तारीख तो आपको याद रखनी है। और बात करें हम दूसरी अध्याय एक में ही दूसरी धारा क्या किससे संबंधित है, दूसरी धारा संबंधित है, धारा दो संबंधित है किससे, परिभाषा से। किससे संबंधित है आपको ध्यान में रखना है, परिभाषा से। और परिभाषाएं की बात करें हम किसकी परिभाषा, सबसे पहले बात करें समुचित सरकार, समुचित सरकार क्या है, केंद्र राज्य स्थानीय सरकार सभी मिलकर इसके लिए कार्य करेगी। ऐसा नहीं है सिर्फ केवल राज्य सरकार का दायित्व है कि शिक्षा के अधिकार को लागू करना है, इसमें क्या है सभी सरकार यानी कि केंद्र राज्य स्थानीय सरकार सभी सरकारें मिलकर ऐसे प्रयास करेगी कि आरटी एक्ट लागू किया जाए और इसके बेहतर परिणाम हो। और बात करें नेक्स्ट किसकी परिभाषा है, वंचित बालक, ऐसे बालक जो 6 से 14 वर्ष के बालक हैं और वो शिक्षा से वंचित रह गए उनको भी हमें इनकी मुख्य धाराओं से जोड़ना है। एक होता है दो टर्म लिखी हुई है, अभावग्रस्त बालक, एक होता है अभावग्रस्त बालक, एक वंचित बालक। अभावग्रस्त किसी कारण विशेष से यदि वह शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ना रह गया है तो वह इसमें सम्मिलित किया जाएगा। और हम बात करें नेक्स्ट परिभाषा किसकी लिखी गई है, एक लिखी गई स्थानीय अभिभावक, और स्थानीय अभिभावक का तात्पर्य क्या है, कोई विद्यालय है और विद्यालय के आसपास का जो क्षेत्र है उससे संबंधित जो भी पास में अभिभावक है उससे क्या आशय लिया गया है, स्थानीय अभिभावक। और हम बात करें नेक्स्ट विद्यालय, और जो आरटी एक्ट में जो विद्यालय हो गए वह सरकारी प्लस निजी दोनों में यह लागू होगा, ऐसा नहीं है केवल सरकारी विद्यालयों में ही यह एक्ट लागू होगा, यानी कि निजी विद्यालयों के अंतर्गत भी इसमें लागू करना होगा। इससे संबंधित जो भी नियमावली है वह सभी जगह सभी विद्यालयों में लागू की जाएगी। और एक टर्म और लिखा होता है बालक, ऐसा नहीं कि आप इस पर विवाद खड़ा कर दो कि बालक लिखा हुआ है यानी बालिका नहीं लिखा हुआ है तो हम बालिकाओं को एडमिशन नहीं देंगे, तो फिर ये सब विषय विवाद का विषय हो जाए। इसके लिए इसकी भी यहाँ पर परिभाषा डेफिनेट है, डिफाइन है कि बालक से हमें क्या तात्पर्य लेना है, बालक और बालिका, जहां पर भी आरटीए में बालक लिखा हुआ है उसका आशय हमें क्या लेना है, बालक और बालिका, यानी दोनों की बात यहाँ पर आरटीए में की है। और धारा एक किससे संबंधित थी, धारा एक किससे संबंधित थी, 1 अप्रैल 2010 से लागू किया जाता है जम्मू कश्मीर को छोड़कर, कहाँ पर ये एक्ट लागू नहीं होता है, कहाँ पर मदरसा हो गया, धार्मिक पाठशालाएं हो गई, जो भी इससे संबंधित ये लागू नहीं होगा। और धारा दो में परिभाषा है, इन दोनों के लिए मुझे नहीं लगता है कि शॉर्ट ट्रिक की आवश्यकता है, इससे जो भी आगे की धारा है उनमें हम शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे। तो यहां तक मुझे उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। हम नेक्स्ट आगे चलें, नेक्स्ट अध्याय की बात करें, नेक्स्ट अध्याय क्या आएगा, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, और इसमें कितनी धाराएं हैं, धारा 3 से 5 इसमें अध्याय में सम्मिलित है। तो बात करें हम धारा 3 की, और धारा 3 क्या कहती है, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है धारा 3 कहती है कोई भी बालक 6 से 14 वर्ष का बालक शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। और सरकार का ये दायित्व है कि धारा 3 के तहत इन बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करे। तो इसको हम देखते हैं स्लाइड में, धारा 3 क्या कहती है, सर प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा से वंचित ना हो, साथ ही क्या हो, साथ ही क्या होगी, व्यवस्था करेगी सरकार की 6 से 14 वर्ष का कोई भी बालक क्या ना रहे, शिक्षा से वंचित ना रहे। इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो, इसके लिए मैंने एक, देखो 3 बच्चे हैं, 1, 2 और 3,
और 2 बच्चों तक तो हम क्या कर देते हैं, शिक्षा यानी पढ़ाने की व्यवस्था कर देते हैं, लेकिन जैसे तीसरे बच्चे की बात आती है हम सोचने लगते हैं क्या हम इसके शिक्षा की व्यवस्था कर पाएंगे, शिक्षा से कहीं ये वंचित तो नहीं रह जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है तीसरा बच्चा होने पर हम क्या सोचते हैं, यदि क्या वो शिक्षा हम उसे बेहतर शिक्षा दे पाएंगे, कहीं वो वंचित तो नहीं रहेगा। तो हमें इस टॉपिक से याद रखना है धारा 3 हमें क्या कहती है, शिक्षा से वंचित ना रह सके, 3 बच्चे शिक्षा से वंचित ना रह सके। तो धारा 3 हमें क्या कहती है, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या हो गई, शिक्षा से वंचित ना रह सके 3 बच्चे। अब हम बात करें नेक्स्ट धारा 4 की, बात करें धारा 4 क्या कहती है। सबसे पहले हम बात करें धारा 4 कहती है आयु के आधार पर आपको प्रवेश करना है। इसको समझने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, एक 9 वर्ष का बालक आपके विद्यालय में आता है और वह पहली बार क्या आया है आपके विद्यालय में, और आप कहते हो इसका एडमिट कहता है मुझे क्या चाहिए, प्रवेश चाहिए, तो आप उसे मना नहीं कर सकते, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको एडमिशन करना पड़ेगा। और आपको समस्या यहाँ आएगी, आप उसे कौन सी क्लास में बिठाओगे, 9 वर्ष का बालक है और आपका विद्यालय 1 से माना कि 5 है, और तो आप कौन सी विद्या कक्षा में बिठाओगे। तो आपके लिए इसका समाधान करता है आरटीए, कहता है आपको एडमिशन किसके आधार पर देना है, आयु के आधार पर। और आयु के आधार पर यदि मान लिया जाए 6 वर्ष का बालक पहली कक्षा में जाता है, 7 का सेकेंड में, 8 का थर्ड क्लास में, और ये 9 वर्ष का बालक है तो आपको सीधा कौन सी क्लास में इसको बिठाना होगा, चौथी क्लास में। किसमें बिठाना होगा, और चौथी क्लास में बिठाना, साथ ही चौथी क्लास में बिठाने के साथ ही आपको ऐसा कोर्स करवाना होगा, ब्रिज कोर्स, जिसमें इसकी पूर्व की जो 3 क्लासें मिस हुई है उसका ज्ञान भी उसे मिल जाए। तो धारा 4 क्या कहती है, एक बार हम इसे स्लाइड में देखते हैं कि धारा 4 कहती है आयु के आधार पर प्रवेश करना, दूसरा क्या कहती है, शैक्षणिक स्तर को पूरा करना, और इसके लिए क्या करेगी, 6 माह का ब्रिज कोर्स करवाएगी। आपको ध्यान में रखने के लिए एक मैंने स्टोरी बनाई है जिसमें क्या है, ये क्या है, 4 साल का बालक है, क्या है ये, 4 वर्ष का बालक है, और ये कहता है मेरे को क्या करना है, एडमिशन करना है। लेकिन धीरे, एडमिशन करने के लिए आपको आतुर नहीं होना है, आपको देखना है कि कितने साल का बच्चा है, 4 साल का, यानी कि इसकी एज हमारे विद्यालय में प्रवेश के लिए अभी नहीं हुई है। तो आप इसे क्या कहोगे, आंगनवाड़ी में आप चले जाइए, जैसे ही आप 5 वर्ष पूरे कर लेते हो तो आपका हमारे विद्यालय में आयु के आधार पर आपका प्रवेश किया जाएगा। तो आपको इस स्टोरी से याद रखना है कि धारा 4 यानी 4 साल का बच्चे को आप किस पे किसके आधार पर प्रवेश दे सकते हो, आयु के आधार पर प्रवेश दे सकते हो। और बात की जाए यहाँ पर 4 वर्ष की बात की है, तो हम यदि नई शिक्षा नीति जो जिसका वीडियो हम प्लेलिस्ट में होगा उसे देख ले, जो नई शिक्षा नीति में है जो बच्चा है वह 3 वर्ष से ही आपके विद्यालय में आ जाएगा, लेकिन वर्तमान का जो परिप्रेक्ष्य है उसमें वो 5 वर्ष के बाद ही आपके विद्यालय में प्रवेश करता है। लेकिन नई शिक्षा नीति में शायद कुछ ना कुछ अलग से बदलाव होंगे, उसको हम आगे और देखेंगे। आपको याद, एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है धारा 4 में क्या है, आयु के आधार पर प्रवेश। निश्चित तौर पर हमने यहाँ तक अब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, धारा 1 में क्या याद किया था हमने, धारा 1 में हमने याद किया था जो है 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू होगा, किसको छोड़कर, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, और कहाँ कहाँ पर आरटीई एक्ट नहीं लागू होता, तो मदरसा हो गया, धार्मिक पाठशालाएं हो गई। और 2 में हमने बात की थी किसकी, परिभाषाओं की, और कौन कौन सी परिभाषाओं की बात की थी, समुचित सरकार हो गया, स्थानीय अभिभावक हो गया, वंचित बालक हो गए, इनके बारे में। और 3 बच्चों से हमने याद किया था, 3 बच्चों को किससे वंचित नहीं होना चाहिए, शिक्षा से वंचित नहीं होने चाहिए। धारा 1 व 2 दोनों किस अध्याय से है, अध्याय 1 से। आप भी इस तरह लिखकर याद करें, निश्चित तौर पर आपको याद होगा। और धारा 3 में क्या है, शिक्षा से वंचित यानी 3 बालक थे और शिक्षा से वंचित न रह सके। और धारा 4 क्या है, आयु के आधार पर प्रवेश, आयु के आधार पर प्रवेश, 3 और 4। आगे हम और कंटिन्यू करेंगे इसको, अध्याय 2 में कौन कौन से और ऐड होगी, 5, 6, इस तरह हम इसे याद करेंगे। आगे चलते हैं, धारा 4 तक हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट बात करें हम धारा 5 किसकी बात करें, धारा 5। और धारा 5 क्या कहती है, यदि किसी, यदि माना धारा 5 क्या कहती है, सबसे पहले यहाँ पर आप समझने का प्रयास करें। धारा 5 कहती है यदि एक कोई बालक है और इस बालक का कहीं पर हो करना है, यानी कि इसके या तो किसी कारणवश पिताजी का ट्रांसफर हो गया, किसी कारणवश अभी ये विद्यालय उदयपुर में पढ़ रहा है लेकिन किसी कारणवश इसे जाना पड़ा जयपुर, और सत्र का कौन सा महीना चल रहा है, अभी माना अपना चल रहा है नवम्बर, नवम्बर चल रहा है, और यहाँ पर यह भी कौन सी क्लास में है, चौथी क्लास में। तो ऐसा नहीं है जैसे आप जयपुर जाओगे, जयपुर इसके पिताजी जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि पूरे सत्र जब तक जुलाई नहीं आएगा और उसका पिताजी वेट करेंगे कि यहाँ पर आने पर मैं इसे 4th क्लास में पुनः पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है। धारा 5 कहती है बालक का यदि स्थानांतरण होता है तो उसके अधिकारों का भी स्थानांतरण होगा। क्या कहता है, बालक का यदि स्थानांतरण होता है तो उसके अधिकारों का भी क्या होगा, स्थानांतरण, यानी कि आपको उसे 4th क्लास में जयपुर में भी एडमिशन देना होगा।
और स्थानांतरण संबंधित आप उसके अधिकारों का भी हस्तांतरण करेंगे। धारा 5 क्या कहती है, हम स्लाइड में फिर से देखते हैं पूरे डिटेल से। सबसे पहले कहती है यह स्थानांतरण से संबंधित बालक के विद्यालय स्थानांतरण के साथ बालक के सभी स्थानांतरण किया जाए, यानी कि बालक के अधिकारों का भी स्थानांतरण किया जाना चाहिए। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, देख सबसे पहले ये बाल बच्चा है और ये बच्चा जाता है इस विद्यालय में जा रहा था, उसे यहाँ पर जाना है। तो क्या क्या करेगा, इसमें जिस क्लास में वह पढ़ रहा था, माना कि वह इसमें 8वीं क्लास में पढ़ रहा था, तो इसका स्थानांतरण किया जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जा रहा है तो इसका शॉर्ट ट्रिक के लिए मैंने आपको बताया था आपको क्या करना है। आप उस बच्चे को क्या कहोगे, कोई बात नहीं हम आपका क्या कर देंगे स्थानांतरण, लेकिन आपको क्या देनी होगी, गुरु दक्षिणा। और गुरु दक्षिणा में क्या मांगना होगा, आप ऐसा नहीं वहां से 10-15 लाख रुपए मांग लो गुरु दक्षिणा में, आपको सिर्फ मांगने हैं 5 रुपए। कितने रुपए मांगने हैं, 5 रुपए। और धारा 5 क्या कहती है, स्थानांतरण यानी कि गुरु दक्षिणा में, यानी उसका स्थानांतरण हो रहा है और आप उसे क्या ले रहे हो, गुरु दक्षिणा में कितने रुपए ले रहे हो, 5 रुपए। तो आपको याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक है कि धारा 5 क्या कहती है, स्थानांतरण से संबंधित अधिकार भी हस्तांतरित किए जाएंगे। तो धारा 5 आपको याद हो गई है। और नेक्स्ट बात करें हम अब अध्याय 3 की। अध्याय 2 तक हम बात कर चुके हैं, फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। अध्याय 1 में कितनी धाराएं हैं, 1 व 2, और अध्याय 2 में कितनी धाराएं हैं, 3, 4, 5। तो 3, 4 और 5। धारा 1 किससे संबंधित है, आरटी एक्ट को लागू करने से, किससे, कब से लागू होता है, 1 अप्रैल। 2 किससे संबंधित है, परिभाषा से। और तीसरी है अध्याय 2 क्या, सबसे पहले अध्याय 1 क्या है, प्रारंभिक परिचय। दूसरा अध्याय क्या था, निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार से। और 3 में क्या है, शिक्षा से वंचित न रह सके। और 4 में हमने छोटी क्या देखी, 4 साल का बच्चा है उसको आयु के अनुसार प्रवेश देना है, तो आयु के अनुसार प्रवेश। और धारा 5, 5 रुपए की क्या है, दक्षिणा यानी स्थानांतरण। तो आप इस तरह से कीवर्ड को याद में रखकर पूरे आरटीए को याद रख सकते हैं, बार बार रिवाइज करें, वैसे तो आपको इसी क्लास में याद हो जाएगा। और धारा अध्याय तीन किससे संबंधित है, समुचित सरकार व माता पिता के कर्तव्य। तो डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया जाएगा किस अध्याय में समुचित सरकार व माता पिता के कर्तव्य, तो अध्याय 3 में। फिर कौन सी धारा हमें सम्मिलित है, 6 से 11 तक हमें इसमें पढ़ना है। और शुरुआत करें सबसे पहले धारा 6 क्या कहती है, तो धारा 6 कहती है विद्यालयों की स्थापना करना। इसको हम पहले नॉर्मली समझते हैं, विद्यालयों की स्थापना करने से संबंधित धारा 6 है। और विद्यालयों की स्थापना कहाँ करनी है, सबसे पहले कहाँ विद्यालयों की स्थापना से संबंधित है और कहाँ पर करनी है, तो आपको ध्यान में रखना है 1 से 5 यानी प्राथमिक विद्यालय कहाँ खोलने हैं, 1 से 1.5 किलोमीटर के अंतर्गत खोलने। और उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी 6 से 8 कहाँ खोलने, 2 से 2.5 किलोमीटर के अंतर्गत। यानी सरकार क्या कहती है आपको, धारा 6 ये कहती है कि विद्यालय की स्थापना करनी है समय और परिस्थिति के अनुसार। और समय और परिस्थिति के अनुसार क्या है, 1 से 5 तक कहाँ पर, यानी 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में आपको 1 से 5वीं तक का विद्यालय होना आवश्यक है। और 2 से 2.5 किलोमीटर के दायरे में 6 से 8 तक के लिए विद्यालय उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में आप जानते हैं कहीं कहीं पर ऐसी संभावना नहीं है, उसका तोड़ भी क्या है कि बालकों को जो विद्यालय है उनकी दूरी यदि 1 किलोमीटर से ज्यादा है तो उनके लिए एक यात्रा भत्ता वह दे होता है, जिसे आपको जैसे आप विद्यालय में जाओगे आपको इन सारे टर्म बिल्कुल इजी लगेंगे, यात्रा भत्ता क्या है, किस दायरे में दिए जाते हैं। लेकिन आपको एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना है धारा 6 क्या कहती है विद्यालय की स्थापना, इसको हम डिटेल से याद रखने के हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले धारा 6 क्या कहती है, समुचित सरकार का कर्तव्य है कि समय परिस्थिति और आवश्यकता अनुसार विद्यालय की क्या करेंगे, स्थापना करेंगे। और क्या कहती है, और क्या कहती है, कहाँ पर स्थापना करनी है, तो 1 से 1.5 किलोमीटर में कितने, कौन से विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, और 2 से 2.5 किलोमीटर के अंतर्गत दायरे में उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करनी है। और इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको कैसे याद रखनी है, गुजराती में किसी ने कह दिया विद्यालयों की स्थापना करनी छे, तो छे धारा 6 क्या कहती है, विद्यालयों की स्थापना करनी छे। देखो गुजराती में क्या याद रखना आपको, विद्यालयों की स्थापना करनी छे। और धारा 6 हमने देख ली, उसके बाद हम बात करें धारा 7। और धारा 7 किससे संबंधित है, केंद्र व राज्य के जो वित्तीय अनुपात है उससे संबंधित है, यानी कि जो भी केंद्र व राज्य दोनों का जो वित्तीय अनुपात है उसकी बात करता है धारा 7। और इसमें क्या क्या प्रावधान है उसे हम देखते हैं एक बार। सबसे पहले तो क्या बात करता है, केंद्र व राज्य का वित्तीय अनुपात क्या है इसकी बात करता है। साथ ही बात करें क्या अनुपात रहता है, तो जो केंद्र का अनुपात है वह कितना रहता है, 60, और जो राज्य का अनुपात है वह कितना, 40 रहता है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है जो भी पूर्वोत्तर राज्य है उसमें क्या अनुपात है, 90:10।
और पूर्वोत्तर राज्य की संख्या 2018 में कितनी थी? 7 थी, 7 थी, लेकिन आरटी एक्ट में दो राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को भी सम्मिलित कर इसे कुल मिलाकर 7 और 2 राज्य और सम्मिलित किए जाते हैं। और 9 राज्यों में क्या अनुपात रहता है? 90:10। इसको स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन से राज्य डायरेक्टली देकर पूछ लिया जाता है? असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 7 राज्य में क्या अनुपात है? 90:10 2018 से पहले। लेकिन 2018 के बाद क्या अनुपात रहता है? 2018 के बाद हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये दो राज्य और सम्मिलित कर लिए जाते हैं किसमें? 90:10 में। तो इसकी याद रखने की शॉर्ट ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है ये चित्र से। ये कौन है, कितने जन है? 7 भाई, कितने भाई है? 7 भाई बहन है। और इन 7 भाई बहनों में क्या होता है? पैसों को लेकर विवाद होते हैं, यानी कि पैसों को लेकर झगड़ा होता है। तो आपको ध्यान में रखना है 7 भाई क्या कर रहे हैं? पैसों का बंटवारा कर रहे हैं। तो वित्तीय अनुपात से संबंधित कौन हो जाएगा? धारा 7। यहाँ तक आपकी क्लियर हो चुकी होगी उम्मीद है। अब नेक्स्ट बात करें धारा 8। 8 किससे संबंधित है? सरकार के क्या कर्तव्य है, दायित्व, उससे संबंधित धारा 8 है। देखो, समुचित सरकार के अधिकार व कर्तव्य क्या क्या होंगे, इनकी बात कौन करता है? धारा 8। इसको याद रखने की त्रिक है, सरकार के क्या है? ठाट। क्या है? ठाट। ठाट किसके हैं? सरकार के। और सरकार के अधीन जो भी है, धारा 9 बात करें धारा 9 में, और धारा 9 में क्या है? जो भी अधिकारी वर्ग है उनके क्या क्या कर्तव्य हैं उनकी बात करते हैं। और इसमें क्या लिखा हुआ है? समुचित सरकार के अधिकारी वर्ग के अधिकार तथा कर्तव्य क्या होंगे, आपको ध्यान में रखना है। 8 में क्या है? 8 में सरकार के बारे में जो कर्तव्य है उनकी बात है, 9 में क्या है? अधिकारियों की, और 10 में क्या है? अभिभावकों के क्या कर्तव्य है। तो 8 सरकार, यहां से आपको आंकड़ा याद रखना है। सबसे पहले सरकार आएगी, फिर अधिकारी आएंगे, फिर सबसे ऊपर कौन है? हमारे माता पिता यानी अभिभावक। 8 में सरकार की क्या दायित्व है, 9 में अधिकारी के क्या दायित्व है या कर्तव्य होंगे उनके बारे में लिखा हुआ है, और 10 में हमारे माता पिता के भी क्या कर्तव्य है उनके बारे में भी हमारे इस एक्ट में लिखा हुआ है। तो बात करें सबसे धारा 10 की, और धारा 10 में क्या लिखे हुए हैं? हमारे अभिभावकों के क्या दायित्व है उनके बारे में क्या लिखा हुआ है? इस धारा में स्थानीय अभिभावक 6 से 10 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रेरित करेंगे। जो भी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था पॉलिटिकल साइंस में, जीके में जो टॉपिक है आरटीएट, उसमें डायरेक्टली ये प्रश्न पूछ लिया गया था, अभिभावकों के जो कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को जो शिक्षा प्रदान करना है वो किस धारा से संबंधित है? ऑप्शन दे दिया गया था 7, 8, 9, 10। तो आपको यदि याद है सबसे ऊपर कौन है? हमारे माता पिता। इनको याद रखने का ट्रिक ये है 8, 9, 10। 8 में किसके ठाट है? सरकार के, फिर 9 अधिकारी वर्ग के, 10 में हमारे सबसे ऊपर कौन है? माता पिता, अभिभावक। तो इस क्रम में आपको याद रखना है सरकार, अधिकारी और अभिभावक। और इन सब की बात कर ली है तो हम उन बच्चों को कैसे भूल सकते हैं? कौन से बच्चों को? जो आर्टिकल 45 में, यानी कि हमारे नीति निदेशक तत्व में आर्टिकल अनुच्छेद 45 में जिसे हटाकर 0 से 6 वर्ष के बालकों के लिए बात कही थी, वह बात यहाँ पर कहाँ की गई है? धारा 11 में कहाँ की गई है? धारा 11 में क्या बात कही गई है कि 0 से 6 वर्ष के बालकों के लिए समुचित सरकार व्यवस्था करेगी, किसमें कहा गया है? धारा 11 में। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। और यदि हम एक फिर से हम पूरी जो हमने आज याद किए हैं अध्याय से पुनः रिवाइज कर लेते हैं। अध्याय 1 किससे संबंधित है? प्रारंभिक परिचय से। किससे संबंधित है? इसमें 2 धाराएं थी, धारा 1 व धारा 2। और धारा 1 किससे संबंधित है? यानी आरटी एक्ट को लागू करने से संबंधित है। और धारा 2 किससे संबंधित है? परिभाषा से। बात करें अध्याय 1 में हमने क्या देखा? प्रारंभिक परिचय, और इसमें धारा 1 व 2 है। 1 में क्या है? आरटी एक्ट को लागू करने से संबंधित है, और धारा 2 में क्या है? परिभाषाएं। अब हम बात करें अध्याय 2 की, और अध्याय 2 किससे संबंधित है? निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भी कह देते हैं, कहीं कहीं बाल शिक्षा का अधिकार भी कह देते हैं। दोनों नाम आपको ध्यान में रखना है। इस अध्याय का क्या नाम है? ये। और इसमें कितनी धाराएं थी? 3, 4 और 5। 3 से मैंने याद कराया था आपको, 3 बच्चे हैं वो क्या नहीं रह जाए? शिक्षा से वंचित ना रह जाए। और 4 में मैंने क्या कहा था? आयु के अनुसार प्रवेश, यानी 4 वर्ष का बालक आता है आप उसका एडमिशन नहीं करते हो, क्या कहते हो? हम आपका आयु के अनुसार ही प्रवेश कर सकते हैं। और 5 में क्या कहा था? 5 रुपए की दक्षिणा यानी स्थानांतरण से संबंधित। और अब बात करें अध्याय 3 की, और अध्याय 3 किससे संबंधित है? समुचित सरकार व अभिभावक के क्या क्या कर्तव्य है। समुचित सरकार व अभिभावक के क्या कर्तव्य है, इसमें कितने धाराएं? 6, 7, 8 और 9।
6, 7, 8, 9, 10 और 11 हमने 6 में क्या याद करनी है, विद्यालयों की स्थापना, क्या याद रखनी है, विद्यालयों की स्थापना, इसके लिए क्या सॉर्टिंग देखी थी, विद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए। 7 में क्या है, केंद्र व राज्य का जो वित्तीय अनुपात है उसके बारे में, इसके लिए हमने क्या बात की थी, 7 में क्या है वित्तीय अनुपात, और 7 में क्या है दो 7 भाई बहन क्या कर रहे हैं, पैसों के लिए झड़ रहे हैं, और मैंने याद करने के लिए आपको 8, 9, 10 और 11 ये सब याद करने के लिए बताया था। 8 में किसके दायित्व की बात की थी, समुचित सरकार के क्या क्या कर्तव्य क्या क्या होंगे, उनके कार्य क्या होंगे, उनके बारे में चर्चा है। 9 में क्या है, सरकार के अंतर्गत ही कौन आते हैं, अधिकारी, अधिकारियों के क्या क्या कर्तव्य रहेंगे उसके बारे में बात हुई थी। और धारा 10 में क्या है, धारा 10 में क्या है, अभिभावकों के क्या कर्तव्य है, और अभिभावकों के क्या कर्तव्य उनके बारे में धारा 10 में है। और धारा 11 में हमें 0 से 6 वर्ष के बालकों के लिए क्या क्या सरकार व्यवस्थाएं करेंगी उनके बारे में समुचित पूरी जानकारी है। यहाँ तक हमने अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 से संबंधित जो भी 1 से लगाकर 11 तक की जो अनुच्छेद है, सॉरी जो धाराएं हैं उनको याद कर ली है। 1 इसको हमने कंप्लीट कर लिया था पार्ट 2 में, जिसमें प्रारंभिक परिचय और धारा 1 और 2 से संबंधित थी। और दूसरा अध्याय है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, इसमें धारा 3 से 5 तक की चीजें थी। और धारा 3 में क्या है, केंद्र राज्य स्थानीय सरकार अभिभावक के दायित्व क्या क्या है, धारा 6 से 12, 11 और इसको हमने पार्ट 2 में पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। और आज का जो हमारा सेशन है वो पूरे अध्याय 4 से संबंधित होने वाला है, क्योंकि अध्याय 4 आपके लिए, एक अध्यापक बनने वाले हो तो आपको भी इसकी जानकारी होना संभावित है और जानकारी होना जरूरी है। और साथ ही इससे यहाँ पर यदि आपका सीधा ये जो टॉपिक है आपके एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ है तो यहाँ से निश्चित तौर पर मान के चलिए एग्जामिनर प्रश्न बनाने की संभावनाएं 100% है। तो आज का जो सेशन है हम इसमें पूरा इस अध्याय को पूरा डिटेल से अध्ययन करेंगे और साथ ही देखेंगे इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक, यहीं पर आपको याद करने की प्रयास करना है। और धारा 12 से लगाकर 28 तक इसमें है, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा अध्याय 5, 6, 7 इन तीनों को सम्मिलित करते हुए उसे हम समाप्त कर देंगे। और इसके बाद हम इससे संबंधित MCQ जो एग्जाम में अभी तक फर्स्ट ग्रेड से लगाकर जितने भी टीचर जो वैकेंसी में आए हुए एग्जाम में उनको हम MCQ प्लस आने की संभावनाएं वाले क्वेश्चंस को डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आज हम इस अध्याय 4 का चैप्टर क्लोज कर ही देते हैं। विद्यालय और शिक्षक दोनों के कर्तव्यों की बात हम इस अध्याय में करेंगे। शिक्षकों के कर्तव्य की बात कौन करता है, अध्याय 4 करता है। और इसमें सबसे पहली धारा आ जाएगी धारा 12। और धारा 12 क्या कहती है, सबसे पहले यदि मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दिखा दूं, ये देखो छोटे छोटे बच्चे हैं और सरकार कहती है मेरे अगर इन छोटे बच्चों को आपने यदि 25% सीटों पर यदि एडमिशन नहीं दिया तो मैं आप लोगों की 12 बजा दूंगी। क्या बजा दूंगी, 12। सरकार ये कहती है। तो धारा वास्तव में तो ये सिर्फ याद रखने के है, ऐसा नहीं कि किसी की 12 बजेगी, लेकिन आपको ध्यान में रखना है धारा 12 क्या कहती है, छोटे बच्चों के 25% आरक्षण, यानी एक निजी जो भी शिक्षण है संस्थान है निजी, और उनमें कितने प्रतिशत आरक्षित रहेगी सीटें, 25%, तो आपको ध्यान में रखना। और जो अभिभावक की वार्षिक आय कितनी है, 2 लाख, तो धारा 12 क्या कहती है, 25% सीटों के बारे में बात करती है। अब बात करें नेक्स्ट धारा 13, और एडमिशन तो हो गए 25% सीटों पर, और साथ ही धारा 13 क्या कहती है, तुम उनसे 1 रुपये भी नहीं ले सकते। सरकार क्या कहेगी, मेरे इन 25% सीटों पर जिस बच्चों को आपने एडमिशन किए उनसे आप कितने रुपए भी नहीं ले सकते, 13 रुपए भी आप उनसे मांग नहीं सकते। तो धारा 13 क्या कहती है, प्रवेश के समय किसी भी प्रकार का शुल्क या प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर, धारा 12 क्या कह रही है, 25% सीटों पर आरक्षण किसका, जो बच्चे वंचित है, निर्धन है, एक पूरा जो एरिया है और जिसमें 2 लाख तक की सीमा दी रखी है। और धारा 9 फीस एडमिशन, यानी एडमिशन के समय ऐसा नहीं कहा उनसे पैसे लो, क्योंकि बात यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा की हो रही है तो पैसे लेने की तो सवाल ही नहीं आता। और धारा 14, और 14 ऐसा होता है जब भी हम एडमिशन करवाने जाते हैं तो एक लंबी लिस्ट हमें दे दी जाती है, यानी आपको ध्यान में रखना है आप एडमिशन करवाने गए हैं 14 प्रकार के टीचर ने आपको मांग लिए हैं डॉक्यूमेंट, और इसमें से यदि सरकार क्या कहती है, यदि एक भी डॉक्यूमेंट अगर नहीं है बच्चे के पास फिर भी आपको क्या करना है, एडमिशन करना है, आप एडमिशन से उसको रोक नहीं सकते। तो धारा 14 क्या कहती है, दस्तावेजों के अभाव में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता। तो आपको तीनों धाराएं यहाँ पर कंप्लीट याद हुई, धारा 12 25% सीटों पर निर्धन वर्ग के उन बच्चों को आरक्षित करना है, 13 किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लेना आपको, 14 दस्तावेज के अभाव में आप एडमिशन को के लिए मना नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको तीनों धाराएं कंप्लीट याद हो गई होगी उम्मीद है। तो हमारा जो सेशन है नया हमेशा शुरू होता है अप्रैल से, अप्रैल, मई,
जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी कि तीन और तीन छह मंथ के, यानी कि 30 सितंबर राजस्थान सरकार द्वारा ये एक फिक्स डेट कर दी गई कि इस तारीख तक तो आपको एडमिशन लेना ही है। लेकिन साथ में ये लाइन और लिख दी कि वर्ष में किसी भी दौरान यदि बालक शिक्षा से जुड़ना चाहता है तो आप उसे मना नहीं कर सकते, यानी कि किसी भी समय प्रवेश ले सकता है। 15, अब इसको याद करने का तरीका, जब आप विद्यालय में सेलेक्ट होके जाओगे एग्जाम में तो आपको एक फिक्स दे दिया जाएगा कि आपको इतने बच्चों को विद्यालय में जोड़ना है। वैसे तो माना जाता है कि एक अध्यापक को 5 जोड़ना छात्रों को है, लेकिन आप क्या करोगे, धारा 15 को याद करने के लिए 15 छात्रों को विद्यालय से जोड़ने का प्रयास करोगे। कितने बच्चों को? 15। तो आपको ये धारा 15 भी याद रह जाएगी और मोस्टली 15 बच्चों को आपको जोड़ना ही है। ठीक है, ये कोई धारा 15 में नहीं लिखा हुआ है कि 15 बच्चों को जोड़ना है, आपको सिर्फ याद रखने के लिए कि धारा 15 में जोड़ना मतलब एडमिशन, और एडमिशन मतलब 30 सितंबर, और 30 सितंबर का मतलब वर्ष भर तक। इसका बात को ध्यान में रखें, धारा 15 क्या है, एडमिशन से संबंधित है। अब हम बात करें धारा 16 की। धारा 16 लेके तो विषय, धारा 16 एक एजुकेशन के स्तर को बिल्कुल डाउन तो कर रही है, लेकिन यहाँ पर बच्चों के लिए तो फायदा ही है, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा, यहाँ पर एक वर्ड है प्रारंभिक शिक्षा, और प्रारंभिक शिक्षा का मतलब 1 से 8वीं तक किसी भी बच्चे को क्या नहीं करना है, फेल नहीं करना है। क्या नहीं करना है? फेल नहीं करना है। तो आपको ध्यान में रखना है, धारा 16 क्या कहती है, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने पर बालक को किसी भी स्तर पर रोक नहीं सकते। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है, धारा 16 में क्या है कि बच्चों को फेल नहीं करना है, और ताकि बच्चा रिपोर्ट कार्ड देके ऐसे चकराए नहीं। धारा 16 मतलब फेल नहीं करना है। नेक्स्ट हम बात करें धारा 17, और 17 तो मेरे हिसाब से आप सभी को याद होगी, 17 मतलब खतरा, और खतरा क्या है, किसी भी बालक को शारीरिक मानसिक शोषण नहीं किया जा सकता है। तो बालक के ऊपर हाथ उठाना हो गया, उसे प्रताड़ित करना हो गया, इस प्रकार की जो क्रियाएं हमारे साथ होती थी विद्यालय में, जैसे हम टीचर्स को लेकर हम हमेशा भाग लिया करते थे, वह क्रिया अब धारा 17 आपके लिए क्या बना सकती है, खतरा बना सकती है। तो ध्यान रखना है 17 मतलब खतरा। ये देखो, इस तरह की पिटाई विद्यालय में की जाती थी पहले, और उस समय पढ़ाई का स्तर भी वैसे बेहतर था, वर्तमान में टीचर उल्टा हो गया है, पहले बच्चे टीचर से लड़ते थे, अब उल्टा हो गया है। ये बात मैं नहीं बोलूंगी, आप खुद ही समझ लें। नेक्स्ट बात करें हम धारा 18 की, और धारा 18 में क्या है, 18 से आपको ध्यान में रखना है खटारा, क्या याद रखना है, खटारा, यानी कि खटारा विद्यालय को चलाने की अनुमति सरकार नहीं देगी। क्या करेगी, ठटारा स्कूल से, 18 मतलब ठटारा, यानी ठटारा जो भी विद्यालय है उनको चलाने की अनुमति सरकार नहीं देगी। यहाँ पर ठटारा से आपको क्या लेना है, विद्यालय में कौन कौन सी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जैसे पुस्तकालय हो गया, बच्चों के लिए, बालक बालिकाओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्थाएं हो गई, पुस्तकालय हो गया, खेल का मैदान हो गया, वो सभी जो मानक सरकार ने तय किए हैं एक विद्यालय के लिए, यदि वो उन मानकों को पूर्ण करेगी तभी क्या देगी सरकार, अनुमति। आपको ध्यान में रखना 18 ठटारा, तो ठटारा विद्यालय नहीं चलेगी। तो 18 से आपको क्या याद रखना है, धारा 18 क्या कहती है, मानकों की अनुमति की देगी बात। अब बात करें धारा 19, और धारा 19 क्या कहेगी, जो भी धारा 18 में मानक तय किए हैं सरकार ने, कौन कौन से मानक, जैसे पुस्तकालय हो गया, वो सारी जो बात हमने भी की है, अगर उनको यदि पूर्ण नहीं करती है कोई भी विद्यालय तो सरकार द्वारा क्या कर दिया जाएगा, विद्यालय की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी, मान्यता रद्द कर दी जाएगी। 19 में हमने देख लिया। अब हम बात करें नेक्स्ट धारा 20 की, और धारा 20 क्या कहती है, समुचित सरकार का यह अधिकार है कि कई मांगों को परिवर्तित कर सकती है। मांगों नहीं, यहाँ पर मानक है, क्या है यहाँ पर, मिस हो गया है, मानक, यानी कि जो एक यहाँ पर एक बार हम फिर से डिटेल देख देखते हैं, 18, 19 और 20, इन तीनों को एक साथ याद करना। 18 वह मानक जो सरकार तय करेगी उन्हीं को क्या मिलेगी, मान्यता, और 19 क्या कहती है, 18 में जो धारा 18 में जो मानक है उनको यदि कोई विद्यालय पूर्ण नहीं करता है तो विद्यालय हो जाएगा आपका बंद, यानी कि रद्द कर देगी, और 20 समय परिस्थिति के अनुसार विद्यालय मानक को चेंज कर सकती है। तो धारा 20 क्या है, अपने पास एक परिवर्तन करने का अधिकार कौन रखती है, गवर्नमेंट रखती है। जैसे कि प्रारंभ में कंप्यूटर की व्यवस्थाएं पर जोर नहीं था, लेकिन वर्तमान में जो युग है डिजिटल युग, यानी कि शिक्षा का जो पूरा स्माइल योजना हो गई, वो वर्तमान में जो कोरोना की स्थिति में आपको पता है ये शिक्षा कितनी प्रभावित हुई है, ऐसे मानकों को भी चेंज कर सकती है। जैसे कोई भी चीज हुआ परिस्थिति के अनुसार वह चेंजेबल हो सकता है, उसका अधिकार किसके पास है, सरकार के पास है। धारा 20, 18, 19, 20 आपको साथ में याद रखने, रिलेट करते हुए यदि आप रखोगे याद तो निश्चित तौर पर आपको याद होंगे,
और ये याद रखो ठप्पा कौन लगाएगा, मुख्य रूप से सरकारी ये कुल मिला के पावर सरकार के पास ही रहेगी। और धारा 21, और धारा 21 आप स्टार लगा के यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं है, क्योंकि ये 21 संबंधित है विद्यालय प्रबंधन समिति से। और विद्यालय प्रबंधन समिति से तात्पर्य आपको क्या लेना है, विद्यालय प्रबंधन समिति 21 यानी कोई मीटिंग हुई उसमें कितने पैसे इकट्ठे हुए, 21 रुपए। कितने इकट्ठे हुए, 21 रुपए पैसे इकट्ठे होते हैं। और आपको ध्यान में रखना है वह समिति कौन सी थी, विद्यालय प्रबंधन समिति, यानी विद्यालय प्रबंधन समिति धारा किस में है, 21 में। और यह समिति क्या करती है, विद्यालय के विकास के लिए निर्णय लेती है, विद्यालय प्रबंधन समिति। तो साथ ही आपको ध्यान रखना है, और इसके नियंत्रण हेतु इसमें जो संबोधित करता है कौन करता है, अभिभावक। साथ ही आप हम यहाँ पे एक बात करते हैं, यहाँ पर एक विद्यालय प्रबंधन समिति की जो मुख्य रूप से चीजें हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें सदस्यों की संख्या मान लीजिए आप 16 है, मान लीजिए 16 ही है, विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्य कितने होंगे, 16, जिसमें 12 तो हो जाएंगे हमारे अभिभावक। कितने हो जाएंगे, 12 हो गए अभिभावक। अब कितने बचे, 4 बचे, और 4, 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 4। अब बात करें 12, 12 तो हो गए अभिभावक, एक हो जाएगा इसमें सचिव, दूसरा हो जाएगा कोई भी छात्र, तीसरा हो जाएगा एक शिक्षक, और चौथा हो जाएगा कोई भी एक जनप्रतिनिधि। कौन हो जाएगा, जनप्रतिनिधि। ये पूरी व्यवस्था होती है विद्यालय में, एक 16 मेंबर यानी 16 सदस्यों की एक समिति बनाई जाती है, जिसे कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए गठित की जाती है। जैसे कार्यकाल होता है तो इसका कार्यकाल आपको याद रखना है 2 वर्ष। और इसमें कितने हैं, 16, जिसमें से 12 कौन हो गए अभिभावक, और 4 कौन बचा सचिव, और सचिव कौन होगा, जो भी शाला का प्रधान यानी कि विद्यालय का जो भी प्रधानाध्यापक हो गया, जिसने भी चार्ज ले रखा या कोई भी हुआ, विद्यालय का जो प्रधान है वह कौन होगा, सचिव, छात्र, विद्यालय का छात्र, शिक्षक, उस विद्यालय में पढ़ाने वाला शिक्षक। और जनप्रतिनिधि से तात्पर्य क्या है, उस विद्यालय में वार्ड पंच हो गया, उस वार्ड का वार्ड पंच, सरपंच हो गया, यानी जन प्रतिनिधि जिसे जनता ने चुना है, उससे संबंधित कोई भी एक व्यक्ति उस समिति का में समाहित होगा। और साथ में एक मोस्ट बात, महिलाओं को नहीं भूलना है, क्योंकि महिलाएं कहाँ पर, 50% यहाँ पर भागीदारी सुनिश्चित करनी है। यहाँ पर जो होगी 50% कौन होगी, महिलाएं। ये समिति जो गठित की जाएगी उसमें 50% महिलाओं की भागीदारी। तो ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा, विद्यालय प्रबंधन समिति। तो 21 में क्या है, विद्यालय प्रबंधन समिति, और इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करें धारा 22, और धारा 22 किससे संबंधित है, वार्षिक योजना से। किससे संबंधित है, वार्षिक योजना से। और वार्षिक योजना किसकी, देखो शाला प्रधान द्वारा सत्र प्रारंभ करने से पूर्व अपने प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा के सुधार करने हेतु अल्पकालीन, आपको कुल मिला के ये वर्ड याद रखना है, वार्षिक विकास योजना, यानी कि पूरे वर्ष में उस विद्यालय के विकास के लिए एक योजना बनाई जाएगी। वो किसके द्वारा बनाई जाएगी, सचिव, यानी सचिव मतलब शाला का प्रधान, उसके द्वारा बनाई जाएगी, और संस्थागत नियोजन होंगे उसमें। तो धारा 22 आपको ध्यान में रखनी है, 21 रुपए का प्रसाद, 22 रुपए की योजना। अब बात करें धारा 23, और धारा 23 क्या संबंधित है, शिक्षक की योग्यता अयोग्यता। तो 23 शिक्षक की क्या योग्यता होनी चाहिए, जैसे कि शिक्षक के पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, रीट क्वालिफाई होना चाहिए, अब तो यदि थर्ड ग्रेड का अप्लाई कर रहे हो, ये जो भी इसमें जो सरकार तय करती है मानक, यानी शिक्षक की क्या क्या योग्यता होती है, वो कहाँ लिखी हुई है, धारा 23 में। और धारा 24 किससे संबंधित है, जो 24 सबसे महत्वपूर्ण है, 24 जैसे शादी ब्याह के समय हम 36 गुण मिलाते हैं, कितने गुण मिलाते हैं, 36 गुण देखते हैं लड़के और लड़की के। यहाँ पर शिक्षक के कितने गुण देख रहे हैं आपको, 24, तो कितने गुण होने चाहिए, आदर्श, यानी धारा 24 क्या कहती है, यहाँ पर गुण नहीं होने चाहिए, ऐसे नहीं कहा मिलाने लग जाओ मेरे में है नहीं है, शिक्षक में ये वाला गुण है नहीं, मैडम में ये है नहीं, ऐसा नहीं है। आपको याद करने के लिए मैं कह रही हूँ धारा 24 क्या है, मतलब 24 प्रकार के गुण, किस प्रकार का, यानी नैतिक चरित्र वाला होना चाहिए। तो यहाँ ये धारा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, आपको बताए जो छात्र है वह अपने घर के बाद जो अपने दिन का जो दिनचर्या का सबसे ज्यादा समय है वह कहाँ पर बिताता है, विद्यालय में। और विद्यालय में कौन है, हम जैसे आप हो हम हो सब कैसे हैं, शिक्षक। और शिक्षक यदि चरित्रवान है, आदर्शवान है, तो उसी को देखकर वह बालक अपने जीवन में उतारता है, यानी रोल मॉडल। तो शिक्षक को अपना आदर्श और नैतिक चरित्र वाला होना चाहिए। मॉडलिंग थ्योरी क्या कहती है, बालक देखकर सीखता है, और बालक क्या देख रहा है, शिक्षक का आचरण देख रहा है। तो फिर धारा 24 यानी 24 गुण होने चाहिए आपको, बस इतना याद रखो। साथ में अपने आपको चरित्रवान और नैतिक आदर्श ऐसा प्रस्तुत करने की
प्रयास करें और बेहतर बनाएं अपने जीवन को। अब बात करें हम तारा 25। 25 अरे यार 25 नहीं, पूरे 1000 लेकर भागा। 25 अरे 25 नहीं भैया, 1000 लेकर। 25 अबे यार 25 के आगे 26 आता है, 27 आता है, 28 आता है। 25 अरे यार 25 अरे यार। किसकी बात करती है? छात्र व शिक्षक के अनुपात में, अनुपात की बात करती है। और अनुपात में सबसे पहले हम बात करें प्राथमिक स्तर की, और प्राथमिक स्तर में 30 छात्रों पर एक अध्यापक। यदि 200 से छात्र संख्या यदि किसी विद्यालय में बढ़ जाती है तो यह अनुपात कितना हो जाएगा? 40 से 1। और इसमें कार्य दिवस आपको ध्यान में रखना है। पिछली रीट में ये कार्य दिवस डायरेक्टली पूछ लिए थे, आपको ध्यान में रखना। प्राथमिक स्तर पर जो कार्य दिवस होंगे वो होंगे 200 दिन, और कार्य घंटे यानी कितने हो जाएंगे? 800। और यही बात अगर हम उच्च प्राथमिक स्तर की करें तो यहाँ पर अनुपात 35:1 है, यानी 35 छात्र होंगे तो उस पर एक शिक्षक कार्यरत होगा। और कार्य दिवस यानी प्राथमिक से 20 दिन ज़्यादा, क्योंकि क्लास बड़ी है, आपको ध्यान में रखना 20 ज्यादा किसके होंगे? उच्च प्राथमिक स्तर के। और शैक्षणिक घंटे 200 घंटे से प्लस होंगे, यानी कि 1000 घंटे। कंफ्यूज नहीं होना, डायरेक्टली आंकड़ा पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और एक पॉइंट और आपको याद रखना है, सप्ताह के कितने घंटे हैं? तो 45 घंटे। यहाँ पर कोई प्राथमिक उच्च प्राथमिक नहीं देखिए, ऐसा जो अनुसूची जारी हुई थी उसमें लिख रखा था पूरा, तो ये डायरेक्टली प्रश्न बन सकता है। अब बात करें हम धारा 26, और 26 क्या कहती है? किसी भी विद्यालय में 10% से अधिक पद खाली नहीं होने चाहिए। अभी जो वर्तमान में विद्या संबल योजना चल रही है, इसे पूरे शिक्षकों की जो कमी थी वह निश्चित तौर पर पूरी हो जाएगी, और बेहतर भी है, साथ साथ एक तैयारी भी कर दोगे, और उस तैयारी के साथ साथ यदि आपको रोजगार भी मिल रहा है तो बुरा नहीं है किसी भी चीज़ को। तो धारा 26 आपको ध्यान में रखना है, विद्यालय में 10% से अधिक पद खाली नहीं होने चाहिए। लेकिन वर्तमान में कहीं कहीं स्थितियाँ ऐसी है, एक शिक्षक भी पूरा विद्यालय संभाल रहा है, तो ऐसी परिस्थितियाँ ना हो। फिर भी धारा 26 आपको याद रखनी है कि क्या है, 10% सीटें भी खाली नहीं हो सकती, तो और ये खाली नहीं होने देगा कौन? 26। ठीक है, याद रखना है। अब बात करें धारा 27, और धारा 27 क्या कहती है? आजकल देखा होगा टीचर को कुछ भी काम दे दिया जाता है, लेकिन आरटी एक्ट में लिखा हुआ है केवल 3 काम, कौन सा? जनगणना, निर्वाचन और राष्ट्रीय आपदा। अभी देखा होगा कोरोना वॉरियर्स में टीचर्स ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और बेहतर कार्य किया है कोरोना के काल के दौरान, तो इनका जो कार्य है एक राष्ट्रीय आपदा के समय भी इन्होंने अपना सहयोग दिया। निर्वाचन में आपने देखा होगा बीएलओ की यदि आप वोट देने जाते हो तो वहाँ पे शिक्षक आपको निश्चित तौर पर मिल जाते हैं। और जनगणना, जनगणना के लिए पूछने अधिकतर आते हैं आपके घर में कितने बच्चे हैं, क्या है, तो ये तीनों जो कार्य है इनके अलावा शिक्षक को तीसरा कोई कार्य यानी कि चौथा कोई भी कार्य नहीं लगाया जा सकता। ये धारा कौन कहती है? धारा 27। अब बात करें 28 की, और शिक्षक को निजी अथवा ट्यूशन नहीं करवा सकता। धारा 28 यानी आपको याद रखना है, एक टीचर यदि सरकारी आप टीचर बन जाते हो तो आप 28 रुपए भी ज्यादा किसी को निजी शिक्षण या ट्यूशन कर नहीं करवा सकते। केवल आप क्या दे सकते हैं? सेवाएं दे सकते हैं कहीं पर भी, यानी कि निजी कार्य के लिए आप निजी कार्य ट्यूशन नहीं करवा सकते, 28 रुपए भी नहीं कमा सकते। और धारा 29, अब बात करें धारा 29 किससे संबंधित है, तो 29 है हमारी पाठ्यक्रम से संबंधित, आपको ध्यान में रखनी है 29। और पाठ्यक्रम में यदि कहती है सरकार यदि कोई परिवर्तन या तो परिवर्तन नहीं करेगा, प्रारंभिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसको सबसे पहले तो चेंज नहीं करता है, यदि किसी कारणवश यह हमें चेंज करना पड़ा तो उसे समाचार पत्रों में अधिसूचित करना होगा, ये कहती है धारा 29। अब इसके साथ ही आपको ध्यान में रखना है पाठ्य निर्माण कर्ताओं के कर्तव्य दायित्व का उल्लेख किया जाएगा, जो भी पाठ्यक्रम निर्माण कर रहे हैं उनके कर्तव्य क्या होंगे, उनके दायित्व क्या होंगे, उनका उल्लेख भी करना जरूरी है। नेक्स्ट बात करें हम धारा 29 में ही एक पाठ्यक्रम का जो निर्माण किया जाएगा वह सर्वधर्म की बात करेगा, उसमें किसी समाज जाति या किसी से संबंधित वस्तु विषय वस्तु से संबंधित नहीं होगी। तो 29 धारा क्या है? सबसे पहले तो इसमें पाठ्यक्रम में कोई चेंज नहीं करेगा, करते हैं तो समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा, और पाठ्यक्रम में कर्तव्य दायित्व का उल्लेख होगा, और किसी भी धर्म से संबंधित पाठ्यक्रम में विषय वस्तु को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। और धारा 30, और धारा 30 संबंधित है हमारी किसे? प्रारंभिक शिक्षा के पूर्ण करने के लिए बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया जाएगा, यानी कि सबसे पहले प्रारंभ में देखा था कि बोर्ड होता था, बोर्ड का डर इतना होता ही था कि कुछ भी यदि हमने थोड़ी देर टीवी भी देख ली तो मम्मी आके कहती थी
बोर्ड का एग्जाम है, वर्डर निकालने के लिए धारा 30 याद रखनी है। और धारा 30 क्या कहती है कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने में यानी कि पहली से आठवीं तक किसी भी प्रकार का बोर्ड का आयोजन नहीं किया जाएगा, और जो आठवीं कक्षा है वह केवल प्रमाण पत्र जारी परीक्षा होगी। यानी एक प्रमाण पत्र होगा कि बोर्ड है लेकिन बोर्ड नहीं है, यानी कि प्रमाण पत्र तो है बोर्ड का लेकिन वह बोर्ड नहीं है, धारा 30 ये कहते। तो आज का जो हमारा सेशन है वह कैसा लगा आपको कॉमेंट जरूर करिएगा। उससे पहले हम एक बार यहाँ से एक बार रिपीट कर लेते हैं, धारा 12, 13, 14, 15, 16, 17 यानी सारी धाराओं को एक बार रिपीट कर लेते हैं कि आपको याद हुआ या नहीं हुआ। धारा 12 क्या कहती है, 25% आरक्षण से संबंधित है। धारा 13 यानी कि नो फीस, किसी भी प्रकार की आपको फीस नहीं लेनी है। 14 डॉक्यूमेंट यानी कि किस डॉक्यूमेंट के अभाव में आप एडमिशन नहीं रोक सकते। धारा 15 क्या कहती है, एडमिशन यानी 15 बच्चों को आपको एडमिशन दिलवाना है, यानी 30 सितंबर एडमिशन दिलाना है आपको विद्यालय में 15। और 16 क्या कहती है, यानी कि किसी भी प्रकार से आपको बच्चों को फेल नहीं करना है पहली से आठवीं तक। और 17 तो खतरा आपको पता ही है। अब बात करें 18, 19, 20 18 क्या है, ठठारा विद्यालय यानी कि विद्यालय अच्छे विद्यालय या मानक अनुमति कौन देगी, सरकार। यानी कोई भी विद्यालय बनाने से पहले उसको अनुमति लेनी होगी सरकार से, यदि उन मानकों को पूर्ण करता है तो ठीक, नहीं करता है तो उसको कर देगी रद्द। और चेंज करने का अधिकार भी किसके पास है, सरकार के पास है। धारा 20 क्या है, सरकार चेंज कर सकती है। अब बात करें 21, 22, 23, 24 और 25। धारा 21 रुपए का क्या है, प्रसाद मीटिंग में, तो आपको ध्यान में रखना विद्यालय प्रबंध समिति SMC इंग्लिश में क्या है, SMC। और 22 क्या है, वार्षिक योजना, क्या है, विद्यालय द्वारा वार्षिक योजना करनी है। 23 क्या है, शिक्षक की क्या योग्यता हो गई, शिक्षक की योग्यता क्या है और निर्योग्यता क्या है वो डिफाइन है धारा 23 में। और धारा 24 किससे संबंधित है, 24 प्रकार के गुण यानी चरित्र वाला हो गया कैसा अध्यापक है उसकी। और 25 मतलब छात्र शिक्षक का क्या अनुपात है उसकी बात करते हैं धारा 25 में। और अब बात करें 26, 27, 28, 29 और 30। 26 में क्या है, 10% सीटें भी यहाँ पर खाली नहीं रह सकती। और 27 में क्या है, धारा 27 क्या कहती है, धारा 27 कहती है कि शिक्षक को कौन से तीन कार्य मैंने बताए थे, जनगणना, निर्वाचन और राष्ट्रीय आपदाओं के अलावा किसी भी अन्य कार्य में नहीं लगाया जा सकता। और 28 यानी 28 रुपए भी आप कमा नहीं सकते, यानी कि निजी या फिर कोई भी ट्यूशन नहीं कर सकते। और 29 किससे संबंधित है, पाठ्यक्रम से संबंधित है, मैंने बात कर ली थी पाठ्यक्रम के तीनों पॉइंट हमने देख लिए हैं। और धारा 30 क्या कहती है, धारा 30 कहती है बोर्ड का एग्जाम आपको नहीं लेना है, और आठवीं जो बोर्ड है वो सिर्फ प्रमाण पत्र है। तो यहाँ तक का जो आपका कॉन्सेप्ट है धाराओं को लेकर हमने 12 से लगाकर 30 तक की अध्याय 4 का पूरा कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो के लिए यस जरूर लिखिए। क्या लिखिए, यस। और आपके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, आप गूगल पे जाकर vistrati.com सर्च कीजिए और वहां पर आपको मिलेंगे हैंड रिटन नोट्स, सारी चीजें जो अवेलेबल है। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।